हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी। कुछ व्यूअर्स ने मुझे सवाल पूछा था कि सर्जरी के बाद वॉकर से कितने दिन के बाद हम चल सकते हैं, कब चलना है वॉकर से हमें। और मैंने मेरी सर्जरी के बाद कब वॉकर से चलना शुरू किया था, कितना वज़न देना है पैर पे और कितना नहीं देना है, ये सारी चीज़ें मुझे पूछी थी। तो उन लोगों के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जब मेरी सर्जरी हुई थी दोस्तों, तब मैंने वॉकर से चलना 3.5 महीने के बाद शुरू किया था। तब तक मैंने वॉकर से चला ही नहीं था, क्योंकि मेरी जब सर्जरी हुई तब की जो कंडीशन थी वो बहुत थी, क्रिटिकल भी थी और थोड़ी सी अलग थी दोस्तों, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह सर्जरी और बहुत ही क्रिटिकल फ्रैक्चर था इसके लिए। बट आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। वैसे जब भी हमारा फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर के बाद जब हमारी सर्जरी होती है दोस्तों, तो सर्जरी के बाद हम उसके नेक्स्ट डे मतलब दूसरे 24 घंटे के बाद दूसरे दिन या तो उसके एक दो दिन छोड़ के हम वॉकर से चल सकते हैं। लेकिन तब हम चल सकते हैं जब हमें डॉक्टर वॉकर से चलने के लिए अलाउ करे। प्लास्टर के साथ भी हम चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हमारा फ्रैक्चर होता है तब वॉकर ही बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पैर में अगर फ्रैक्चर हुआ हो तो हम ऐसे ही डायरेक्टली नहीं चल सकते हैं, तो वॉकर हमें बहुत हेल्प करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलने के लिए हमें डॉक्टर से हमें परमिशन लेनी होती है कि जब हमें डॉक्टर परमिशन दे फ्रैक्चर के बाद जब हमारी सर्जरी हुई है, तो हम एक बार उनसे पूछ ले। अगर वो अलाउ करते हैं, वो हाँ बोलते हैं कि आप वॉकर से चल सकते हो, लेकिन पैर पे बिल्कुल वज़न नहीं देना है, तो हम बिल्कुल वज़न नहीं देंगे। तो हमें सबसे पहले करना क्या है मैं बता दूँ कि जब हमारे पैर में प्लास्टर है या तो फिर सर्जरी हुई है और थोड़े ही दिन हुए हैं और हम चलने की कोशिश करना चाहते हैं, एक पैर से हम चल सकते हैं, लेकिन जो हमारा फ्रैक्चर वाला जो पैर होगा दोस्तों, उस पर हम ज़्यादा वज़न तो नहीं, मतलब बिल्कुल वज़न नहीं देंगे। तो वज़न नहीं देने से हम कैसे चलना है वो मैं बताती हूँ। उसके लिए हम जब बैठे हुए होते हैं, मैं तो अभी चेयर पे बैठी हूँ, मोस्ट ऑफ हमारा फ्रैक्चर होता है, सर्जरी होती है, हम बेड पे लेटे हुए होते हैं, तो हम धीरे से ऐसे बैठेंगे और किसी को बोलेंगे हेल्प से हमारे जो पैर है वो ऐसे नीचे की ओर रख दे। फिर हम ये वॉकर लेंगे और इसे एक हाथ से हम वॉकर को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से इसे बेड पर हम सपोर्ट लेंगे और ऐसे हम खड़े होंगे और पैर पर जहाँ पे हमारा फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे हम वज़न बिल्कुल नहीं देंगे और दोनों हाथों से हम वॉकर को अच्छे से पकड़ लेंगे। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ये पैर में फ्रैक्चर है और मेरी अभी अभी सर्जरी हुई है, तो मैं अभी नहीं रखूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मुझे क्या करना है, इस पर मुझे वज़न नहीं देना है और मैं इसको ऐसे रखूँगी, ज़मीन से ये पैर मेरा थोड़ा ऊपर रखूँगी, अच्छे से पकड़ लेना है। और वॉकर की जो हाइट है दोस्तों वो हमारे ऐसे हम खड़े रहे तो ये जो हमारी कलाई है ना वहाँ तक उसकी आनी चाहिए, वो कलाई से नीचे ना होना चाहिए और कलाई से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इतनी हाइट हमें वॉकर की रखनी है। उसके बाद उसको कस के अच्छे से पकड़ लेंगे और पहले वॉकर को एक स्टेप आगे रखेंगे और ये जो मेरा फ्रैक्चर वाला पैर है ना वो ऐसे ऊपर ही रखेंगे, ज़मीन पे नहीं उसको छूने देंगे। और जो हमारा अच्छा वाला पैर है उसको धीरे से हमारा पूरा जो वज़न है वो वॉकर पे डाल के हम धीरे से आगे आएंगे ऐसे। फिर दोबारा हमें क्या करना है, फिर वॉकर को आगे रखना है और जो हमारा फ्रैक्चर वाला जो पैर है उसको बिल्कुल ही वज़न नहीं देना है, ऊपर रखना है और हम अच्छे वाले पैर से आगे आएंगे और हमारा जो सारा वज़न है वो हम वॉकर पे देंगे। इस तरीके से हम चलेंगे धीरे धीरे, इसमें हमें कोई और गड़बड़ी नहीं करनी है, हमें अच्छे से हमारे जो वेट है पूरा का पूरा वॉकर पे डालना है दोस्तों। तो वॉकर हमें बहुत ही यूज़फुल होता है, इस तरीके से हम चलने की कोशिश कर। ये हो गया दोस्तों हमारा जब हमारी सर्जरी हुई होती है, प्लास्टर लगा होता है या तो ना भी लगा हो फिर भी हम पैर को ऊपर रख के ही चलेंगे और दूसरे पैर से एक एक पैर आगे रख के चलेंगे। अब है कि थोड़े महीने हो चुके और हम रिकवर कर रहे हैं अच्छे से और हमें कितना वज़न डालना है वॉकर पे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब क्या करना है, डॉक्टर ने आपको 10 या 20% वज़न देने को बोला, तो आप कैसे चलोगे,
ऐसे आपको खड़ा होना है, वॉकर से चलना है। अगर डॉक्टर ने आपको अलाउ किया है तो ऐसा नहीं है कि हम सारा वज़न डाल देंगे फ्रैक्चर वाले पैर पे, हमें बहुत ही थोड़ा सा वज़न डालना है। तो हम वॉकर को ऐसे लेंगे और ये जो मेरा पैर है दोस्तों, ये वाला ये मेरा फ्रैक्चर पैर है। तो मैं कैसे चलूँगी, पहले वॉकर को मैं ऐसे आगे रखूँगी और मुझे सिर्फ 10% ही वज़न डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमें कभी भी जोखिम नहीं लेनी है, रिस्क नहीं लेना है। हम धीरे से ये पैर आगे रखेंगे, जो फ्रैक्चर वाला है उसको आगे रख के उस पर वज़न सिर्फ 10% बोला है और दूसरा हमारा जो 90% हमारी जो बॉडी का वज़न है वो हम वॉकर पे डालेंगे और फिर दूसरा जो अच्छा वाला पैर है वो आगे लेंगे। तो कैसे, ये वॉकर रखा और ये फ्रैक्चर वाला पाँव आगे और धीरे से वॉकर पर वेट शिफ्ट करते हमने अच्छा वाला पैर आगे रख दिया। हो गया ये हमारा चलना। फिर दोबारा से हम वॉकर को थोड़ा सा आगे रखेंगे और ये जो फ्रैक्चर वाला पाँव है उस पर 10% वेट देना है। थोड़ा सा ही वज़न देके हम हमारा पूरा वज़न, दूसरा वज़न हम वॉकर पे डाल के फिर से ऐसे आगे आए। ऐसे हम धीरे धीरे से चल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से चल सकते हैं। बट अगर डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया है तो ऐसी वॉकर से भी चलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, और अगर पाँव रखने के लिए मना किया है ज़मीन पर तो बिल्कुल भी पाँव ना रखे। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं धीरे धीरे से। हमारी जो हड्डी है दोस्तों वो ऑलमोस्ट जुड़ने को आई है, या तो 50% हड्डी हमारी जुड़ गई है। उसके बाद डॉक्टर आपको थोड़ा बहुत दबाव डाल के चलने को बोलते हैं। कितना वज़न डालना है वो डॉक्टर आपके फ्रैक्चर के हिसाब से आपको बताते हैं। उतना ही वज़न डालने की कोशिश करना है, आपको ज़्यादा वज़न डालने की कोशिश नहीं करना है क्योंकि ये रिस्की हो जाता है। लेकिन जिसके टुकड़े हो रखे हैं पैर में, कहीं पर भी अगर टिबिया में फ्रैक्चर हुआ हो, या तो एंकल में हो, या तो फीमर, या तो हिप फ्रैक्चर, मतलब पैर में नी का फ्रैक्चर, कहीं पर भी जब वहाँ 3 से ज़्यादा टुकड़े वाला जो फ्रैक्चर हो ना, तब 50% से ज़्यादा वज़न तो बिल्कुल मत देना जब तक आपकी जो हड्डी है वो पूरी तरीके से ना जुड़ जाए, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाता है। हाँ, डॉक्टर बताते हैं जब हम रिकवर कर रहे होते हैं, हड्डी हमारी जब अच्छे से जुड़ रही होती है दोस्तों, तब डॉक्टर हमें बताते हैं कि नहीं थोड़ा दबाव डाल के चलो तो इससे जल्दी हड्डी जुड़ जाएगी पूरी, ऐसा बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ने आपको पूरा का पूरा वज़न डालने को बोल दिया हो। जिस लोगों को पूरा वज़न डाल के चलने को बोला हो वॉकर से या तो स्टिक से, तो वो पूरा वज़न डाल के चल सकते हैं। डॉक्टर ने आपको दबाव डाल के थोड़ा बहुत वज़न दे के चलने को बोला है वॉकर से, तो आप बिल्कुल पूरा वज़न मत डालिए और 50% से ज़्यादा वज़न नहीं डालना है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा टुकड़े हो चुके हो और क्रिटिकल फ्रैक्चर हो, और नॉर्मल जो फ्रैक्चर्स होते हैं जिसको 1-2 टुकड़े हो रखे हैं, या तो हड्डी का अलाइनमेंट, मतलब हड्डी, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर्स है जो क्रिटिकल ना हो, ऐसी कंडीशन में आप अच्छे से 50% या 60% वेट देके जब आपकी हड्डी जुड़ने को आई हो, तब डॉक्टर ने आपको बोला हो चलने के लिए कि यस आप 50-60% वेट देके चल सकते हो, तब आप ऐसे चल सकते हो वॉकर से। स्टिक की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, स्टिक के लिए मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखो दोस्तों, 50-60% वज़न देने को आपको वॉकर से बोला है, अभी आपको स्टिक अलाउ नहीं किया है। इस वीडियो में सिर्फ वॉकर से कितना वज़न दे के चलना है वो बात करेंगे। 50-60 या 40% जो भी आपको वज़न देने को बोला है दोस्तों, तब आप ऐसे वॉकर से चल सकते हो अच्छे से। देखो मैंने यहाँ पे वज़न दिया है 60%, 60% वज़न के साथ में चल रही हो आप, देखिए। तो 50-60% वेट देके आप ऐसे चल सकते हैं। आपका पैर जितना भी वज़न लेने के लिए रेडी हो उतना ही देना, ज़्यादा वज़न देने की कोशिश नहीं कर। फ्रेंड्स, डॉक्टर ने आपको जितना भी वज़न देके चलने को बोला है उतना ही वज़न देने की कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा देने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। रिस्क नहीं लेना है। अगर कुछ भी आप डिसीजन लेते हो तो सबसे पहले आपके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उनको पूछ लीजिए वो क्या आपको सजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको चलना है नहीं चलना है। हो सके तो एक बार जब आप चलने की कोशिश करो
आपके डॉक्टर से एक बार परमिशन ले लो कि अब ओके है, आपके पैर में कितना वजन दे सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, वो सारे डिटेल्स डिटेल में पूछ लो। उसके बाद ही आप वॉकर से या कुछ भी आप चलने की कोशिश कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों एक बात जो मुझे डिटेल में पूछी गई थी कि आप सर्जरी के बाद हम चल सकते हैं, बिल्कुल हम वॉकर से सर्जरी के बाद चल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट एक या दो दिन में भी चलते हैं लेकिन वज़न नहीं देते हैं। जो सर्जरी वाला जो पैर होता है फ्रैक्चर वाला, उसको ऐसे ज़मीन से ऊपर रखते हैं और अच्छा वाला पैर और वॉकर पे अपना सारा वज़न दे के वो चलने की कोशिश करते हैं। इससे बहुत आसान भी हो जाता है। स्टार्टिंग में वॉकर से चलने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि ऐसी कंडीशन हुई है और फिर पहले हमारा फ्रैक्चर नहीं होता था तब हम ठीक से चलते थे, और जब सपोर्ट के साथ चलना होता है तो पहले पहले अजीब लग सकता है, फिर आपको धीमे धीमे थोड़ा आदत हो जाएगा उसका। तो आपको फिक्र नहीं करनी है, हमारी बॉडी है उसको अच्छा कैसे रखना है, उसका ध्यान कैसे रखना है, वो डिसीज़न हमें अच्छे से लेना है, टाइम टू टाइम लेना है, कोई भी गलत और रिस्क वाला डिसीज़न नहीं लेना है। तो जल्द से जल्द आप सब लोग अच्छे हो जाओ, ठीक हो जाओ, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।